हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू टीच एडिशन। नाउ बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज द लेवल ऑफ मैथ, बेसिक मैथ। तो बेसिक मैथ में ही ये अभी जैसे हम कर रहे हैं, ये है एडिशन के लिए हम कर रहे हैं। तो एडिशन में क्या हो जाता है कि सबसे पहले तो आपको काउंटिंग बच्चे को सिखाना है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ एडिशन इज काउंटिंग। जब आपका बच्चा जैसे पिक्चर काउंटिंग हो गया, नॉर्मल काउंटिंग हो गया, या आपका बच्चा काउंटिंग सीख गया, उसके बाद हम सिखाएंगे सबसे पहले बच्चे को पिक्चर एडिशन। सो पिक्चर एडिशन कैसे सिखाएंगे? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मान लीजिए इधर वन बॉल एंड देयर इज वन बॉल। सो हाउ मेनी बॉल्स आर देयर? सो वो क्योंकि उनको काउंटिंग आती है तो वो काउंट कर लेंगे वन टू, सो इट इज टू। तो यहाँ पे आप दो बॉल लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी इसको नंबरिंग करेंगे वन एंड वन, सो वन प्लस वन इज इक्वल्स टू। सो इस तरीके से आप पहले वन डिजिट में करवाइए पिक्चर एडिशन। देन पिक्चर एडिशन के लिए आप थोड़ा और इम्प्रूव कर सकते हो, बहुत सारी पिक्चर्स बना सकते हो, हाउस, ट्री, कार्स, इस तरीके से आप पिक्चर एडिशन सबसे पहले बच्चों को सिखाएंगे। या तो फिर आप नंबर लाइन से भी एडिशन सिखा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तक यहाँ पे नंबर लाइन्स है, और यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकली दिया हुआ है टू प्लस टू। तो बच्चे को क्या करना है, क्योंकि आपने पिक्चर एडिशन कंप्लीट कर लिया है, फिर लाइन नंबर लाइन पे आप सिखा रहे हो और डिजिट पे सिखा रहे हो, तो वन से आपको टू डिजिट जाना है क्योंकि हमें है टू। सो टू प्लस टू है, सो और कितना जाना है? टू तक जाना है। सो दैट इज वन एंड टू, सो कितना हुआ? इट इज फोर। सो टू प्लस टू इज फोर। सो इस तरीके से आप कोई सा भी नंबर लाइंस दे सकते हो। जैसे कि अगर आप मान लीजिए सिखा रहे हो जो आप सिखाते होंगे, मान लीजिए आप सिखा रहे हो फाइव प्लस फाइव, तो आपको डेफिनेटली नंबर लाइन जो है वो एक से दस तक के आपको खींचना होगा। सो दैट बच्चा पहले पांच तक काउंट करेगा, उसके बाद और पांच तक काउंट करेगा। इस तरीके से आपको नंबर लाइन वाला एडिशन सिखाना है। तो इस तरीके से अगर जब आप देखेंगे कि पिक्चर एडिशन और नंबर लाइन एडिशन पे बच्चा कंफर्टेबल हो चुका है, उसके बाद हम सिखाएंगे फिंगर एडिशन, जिस तरीके से हम कर रहे हैं। तो ये जैसे हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन में सिखा रहे हैं, तो अभी वर्टिकल लाइंस में आएंगे तो जैसे टू प्लस वन। तो ये जैसे बच्चा यहाँ पे ऐसे भी कर सकता है टू एंड देन वन, सो हाउ मेनी आर देयर? वन टू थ्री। सो ये पिक्चर एडिशन की मदद से उन्होंने किया। अगर टू प्लस वन वो लाइन एडिशन की मदद से करेंगे तो वो इस तरीके से करेंगे, एक लाइन करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव तक किया, सो पहले वन एंड देन टू, सो कितना आया? थ्री। सो द आंसर इज थ्री। नाउ अगर हम उसके बाद इन सब के बाद ही हम आएंगे अपने फिंगर लेवल पे। सो जैसे ये है हमारे फिंगर्स, सो बच्चों को सबसे पहले आपको सिखाना है किस तरीके, जैसे मैंने डुगू को सिखाया था, मैं वो आपको बता रही हूँ। सो मैंने जैसे डुगू को सिखाया था, लेके देखिए यहाँ पे टू आया, टू और फिर आपका कितना आया? वन। सो टोटल कितना है? वन टू थ्री। सो इस तरीके से जब वो प्रैक्टिस करने लगी तो उसको याद आ गया कि ये थ्री का है, ये फोर का है, ये फाइव का है। तो फिर मैंने उसको कहा कि यहां से आप स्टार्ट करो। सो यहां से उन्होंने उसने स्टार्ट किया, जैसे टू प्लस वन है तो वो टू, और वन का कहां पे आएगा? यहाँ पे। सो टू थ्री, फिर उसको वन का काउंट करने की जरूरत नहीं कि वन किधर है टू किधर है। अगर वन से भी स्टार्ट करेंगे सो वन टू थ्री, क्योंकि उसको पता है कि टू इधर ही आता है। सो इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो मैंने उसको फिंगर पे करना सिखाया। सो दीज आर द क्विक टिप्स गाइज। अगर आप इससे अलग कुछ करवा रहे हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो सो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बाय गाइज।